नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को होली की एडवांस में बधाई। तो आज के इस वीडियो में हम आपको शिवपुर फुलवरिया लहरतारा फोर लेन का लेटेस्ट अपडेट दिखाएंगे। और आपको बता दें कि लहरतारा के पास जो ROB बन रहा था उसका एक साइड का काम कंप्लीट हो चुका है और दूसरे साइड का काम काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है। और इसके साथ ही साथ फुलवरिया वाले ROP का भी निर्माण कार्य ने तेज़ी पकड़ ली है। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, आपको ये मैं पूरा कवर करके दिखाने वाला हूँ। तो इस वक्त दोस्तों हम लोग जो है जेल रोड के पास से गुजर रहे हैं। और आपको बता दें कि यह जो फोर लेन है, आपको जो गिलट बाज़ार है यहाँ पर तुलानंद स्कूल है वहाँ से स्टार्ट होता है और फिर आपका ये इधर से पीछे होते होते आपको ये जेल रोड होते होते आगे फुलवरिया लहरतारे की तरफ चला जाता है। तो इधर जेल रोड साइड दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो छोटा सा पैच था वहाँ पर काम नहीं हो रखा था, तो वो भी पूरा ये अब रास्ता पूरा बन के कम्प्लीट हो चुका है, आप देख ही रहे हैं। और ये काफ़ी मतलब बेहतरीन बन चुका है, ये देखिए पूरा आपको जो ये आगे बनाने पर जो पुल बना है ये, और इसके पीछे और इसके आगे जो रोड का काम है पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए आपको अब आप सामने ले चलते हैं जहाँ पर आपको फुलवरिया वाला जो ROB है उसका स्लोप स्टार्ट होता है। तो ये देखिए यहीं से स्लोप स्टार्ट होता है, तो इसका भी काम लगभग दोस्तों हो चुका है ये स्लोप वाला जो है। और ये देखिए ये काम इधर बीच का जो डिवाइडर वो भी बन चुका है और जो भी यूटिलिटी का जो काम होता है जैसे पाइप वाइप ये सब काम हो चुका है और बीच में जो ज्वाइंट होना था वो भी हो चुका है। अब जो काम बचा है वो ROB का काम चल रहा है वहाँ पर। चलिए आपको नीचे से हम दिखाते हैं। और ये देखिए ये ROB का काम यहाँ पर भी तेज़ गति से चल रहा है। तो आपको बता दें कि यह जो है गेट नंबर 5 है और यहाँ पर जो ROB की जो कुल लंबाई है 643 मीटर है और इसकी जो लागत है 52.6 करोड़ रुपए। और ये आप देख ही रहे हैं कि इधर काम ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है, ये देखिए पूरा मशीन उशीन आ गया है और अब ऊपर जो है लोहा का जो सामान है स्टील वाला ये सब कुछ आ चुका है, पिलर उलर भी देखिए बन चुका है। अब आपको लोहा देखिए वो जो रखा जा रहा है यहाँ से वहाँ सरकाया जाएगा, तो ये वाला काम देखिए अभी तेज़ गति से ये चल रहा है। और जो नीचे वाला रास्ता है ये भी मेरे ख्याल से बनना चाहिए, ऊपर वाला जब कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे का भी रास्ता बन जाएगा। और आपको बता दें कि बहुत जल्द ही इस ROB का भी काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके कंप्लीट होते ही आपको ये वाला जो फोर लेन स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उधर लहरतारा वाला जो ROB है उसका काम इससे तेज़ गति से चल रहा है। अभी हम लोग दोस्तों ये फुलवरिया वाला जो ROB है उसके दूसरे साइड आ चुके हैं और इधर देखिए आप लोग ये ढलाई का काम इधर हो चुका है दोनों साइड से। और धीरे धीरे इसका देखिए अब सामने ROB से इसको भी मिलाया जाएगा, ये देख रहे हैं। और जो मेन जो ROB का पिलर है देखिए एक आगे दोनों साइड से वो देखिए बन चुका है और सामने वहाँ पर जाके ये जुड़ेगा। तो ये फोर लेन का है, आपको एक के उधर जुड़ेगा देख रहे हैं, एक इधर। और इधर देखिए आपको ये जो स्लोप उतरने का है ये पूरा एकदम नीचे तक का पूरा ढलाई हो चुका है और बीच में आपको जो ये आपका जॉइंट था इस पर पिछली बार जब वीडियो बनाया था तो काम चल रहा था, देखिए ये ढलाई किया जा चुका है, ये वाला देखिए। चलिए दोस्तों अब आपको लहरतारा वाला जो ROB है वहाँ पर जो काम चल रहा है उसको चल के आपको अपडेट में दिखाते हैं।
और ये देखिए इधर का ये स्लोप यहीं से स्टार्ट होगा लड़तारा वाले का। और ये देखिए गेट नंबर ये 4 है। और देखिए ये जो आम पब्लिक के लिए बंद है रास्ता, जैसे कि ये तो गाड़ी उड़ी के लिए, बाकी पैदल यात्री तो चलते ही हैं। चलिए आपको अब उस साइड से दिखाते हुए ले आते हैं लड़तारा साइड से। और ये देखिए ये इधर का काम काफ़ी तेज़ रफ्तार पकड़ चुका है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं आगे जाएगा वो कुलहरतारा का जो चौराहा है उससे आगे आप आगे चले जाइएगा। और ये वाला जो है स्लोप है ये देखिए शायद यहीं ये उतर जाएगा, जिसको कैंट की तरफ जाना होगा तो यहीं से उतर के आपको फिर कैंट के लड़तारा चौराहे से आप बाएं घूम के कैंट की तरफ चले जाइएगा। और जिसको और आगे जाना है आपको बनारस रेलवे स्टेशन हो गया या DLW, तो उधर वो ऊपर ही ऊपर वो निकल जाएंगे। ये देख रहे हैं ये तो ये पिलर और वो सामने वो उसको जोड़ा जाएगा ये देखिए। और ये यहाँ उतरने वाला स्लोप होगा, आप देख रहे तो ये लग रहा है। देखिए ये इधर के काम का स्थिति है ये। और आपको जो उधर जो दिख रहा है एक, वो आपको उधर आगे बोलिया तिराहे की तरफ चला जाएगा, वो भी इसी 4 लेन का पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए एक तरह से ये हब बन गया, जिसको लड़तारा जाना उधर जा सकते हैं या तो बोलिया तिराहा होके फिर आप आगे मोनसराय की तरफ जा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर होली की सामग्री बिक रही है और बच्चे लोग पिचकारी और रंग खरीदते हुए। ये भी पूरा बन जाएगा तो एकदम यहाँ पे सिर्फ फ्लाईओवर दिखेगा। और ये देखिए आपका ये ROB का निर्माण, जो 1 लेन वाला जो उधर साइड वाला है उसका निर्माण हो चुका है। वो आपको उधर आगे जो बोलिया की तरफ चला जाएगा वो वाला है। और ये लड़तारा वाला जो है ये इधर इसका देखिए काम चल रहा है, वो अब उसको सरका के इधर लाया जाएगा। तो काम देख रहे हैं आपकी काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल रहा है और इस प्रोजेक्ट में काफ़ी डिले हुआ है, लेकिन काम को देख के लग रहा है कि काफ़ी मतलब जल्द ही काशीवासियों को इसकी सौगात मिलने वाली है। और आपका जो जो जाम की स्थिति रहती थी कैंट से होते हुए कचहरी, तो उधर से आप ना जाकर सीधा अगर एयरपोर्ट जाना है तो शिवपुर बाईपास होते हुए सीधा एयरपोर्ट, 10 मिनट में आप लड़तारा से शिवपुर बाईपास पर पहुंच जाइएगा। तो मतलब ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़रूरी है और इसी को आगे बढ़ाकर आपको लड़तारा से फिर BHU तक उधर भी एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव चल रहा है। तो BHU से सीधा जिसको एयरपोर्ट जाना है वो बिना रुके बिना ब्रेक मारे पहुँच सकता है। तो ये देखिए, और ये देखिए उधर आगे धीरे धीरे वो स्लोप अब उधर उतरता जाएगा, फिर आपको वो फ्लोरिया वाला जो ROB है उधर चला जाएगा। दोस्तों मैं वीडियो यहीं समाप्त करूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।